नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आप में से बहुत सारे नए स्टूडेंट्स नए चेहरों का इंतजार कर रहे थे। आप लोग जानना चाहते थे कि आखिर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की फैकल्टी में कौन कौन से नए चेहरे हैं। तो एस्पिरेंट्स, पूरी टीम आप लोगों के साथ NDA 2024 को फोड़ने के लिए तैयार। स्वागत है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि NDA 2024 इस बार पहली सितंबर को शेड्यूल्ड है। जी हाँ, ऑलरेडी हम 1 अप्रैल को ये वीडियो बना रहे हैं, तो मोटा मोटा 4 महीने का समय है। अब इस 4 महीने, 4.5 महीने में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इंडिविजुअली हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट के एजुकेटर्स से बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैथ्स से बात करते हैं क्योंकि अपने आप में मैथ्स का एक पेपर है, 120 सवाल, 300 मार्क्स। मैथ्स में कोई आसान या कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, मैथ्स अपने आप में मैथ्स होता है। और मैथ्स का एक र्यूमर है कि अगर मैथ्स नहीं तो कुछ भी नहीं, मतलब दो इंडियन आर्मी के लिए नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं, लेकिन फिर भी अगर मैथ्स नहीं तो कुछ भी नहीं। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पहला सवाल ये है कि टाइम कम है, एस्पिरेंट्स और ज़्यादा हैं। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल निकला था जिसने ये बताया कि NDA के एस्पिरेंट्स की तादाद और बढ़ गई है, यानी कि 400 वैकेंसीज के लिए मोटा मोटा 5 से 6 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म भरेंगे। पास वही 6,000 से 8,000 कैंडिडेट्स होंगे। तो सर, कैंडिडेट्स को आखिरी स्टेप में 12th के बाद अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए मैथ्स के लिए, किस प्रकार से NDA 2024 का मैथ्स पेपर क्रैक किया जाए? मतलब BM भारद्वाज का फॉर्मूला क्या है? हर बावर्ची का अपना फॉर्मूला होता है, हर बावर्ची की अपनी रेसिपी होती है, तो BM भारद्वाज जी की रेसिपी क्या है मैथ्स के लिए? देखिए, मैथ्स 120 क्वेश्चंस उनसे पूछा जाना है जी, तो बस वही पेशेंस के साथ, अगर वो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है, मोर देन सफिशियंट टाइम 4 मंथ्स होता है। अगर 11th 12th अगर थोड़ा सा उन्होंने सिंसियरली करके रखा हो, बच्चों के जनरली है कि 12th बोर्ड एग्जाम के चलते 12th का पोर्शन तो ठीक ठाक अच्छे से कवर किए होते हैं, ये 4 मंथ्स में वो 11th पे थोड़ा सा फोकस अगर करते हैं, क्योंकि एकेडमिक स्टडी और कॉम्पिटिटिव स्टडी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उन्हें सब्जेक्टिव करना है, यहाँ इन्हें ऑब्जेक्टिव करना है। तो जो प्रैक्टिस उन्हें इस बात की करनी, फार्मूला सबको आता है, ऐसा नहीं कि 12th करके जान रहा है कि NDA देने जा रहे हैं, ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, थोड़ा सा बच्चा सिंसियर है, फाइट उन्हीं में होनी होती है। अगर 6 लाख बच्चे देने हैं, दे रहे हैं एग्जाम, तो 60,000 बच्चों में कॉम्पिटिशन है, 5,40,000 बेकार होते हैं, ये हकीकत है। बहुतों को बुरा लग सकता है, वो अलग बात है, लेकिन 60,000 स्टूडेंट्स ही हैं जो सिंसियर हैं। अब वो 60,000 को पता है कि एंड हमें करना कैसे, मोटिवेटेड है, हाँ वो है, लेकिन बस वो सही टेक्निक नहीं पता है। तो सही टेक्निक तो वो फिर हम बताएंगे, बताते ही उन्हें। और ऐसे जो बच्चे यहाँ नहीं भी आ रहे हैं, उनके लिए भी अगर है कि ट्रैप वाले क्वेश्चन उन्हें बचना होता है, कि NDA UPSC भी जान रही है कि 120 क्वेश्चन बच्चे 2.5 आवर्स में प्रॉपर वे में सॉल्व करके वो नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है, मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिखने में काफी लेंदी होते हैं लेकिन तुरंत वो सॉल्व हो जाता है। तो जिस बच्चे ने 120 क्वेश्चंस अगर पढ़ लिया और ट्रैप में नहीं फंसा, तो काम लायक उसके 60% क्वेश्चंस हो जाते हैं। कुछ गलत भी हो गया तो 50% क्वेश्चंस के मार्क्स मिल गए, और NDA के हिस्ट्री में ऐसा आज तक नहीं हुआ मोर देन 50% मैथ्स का कट ऑफ गया। अब ये IIT तो है नहीं भाई कि टॉप रैंक आ जाएगी तो IIT मुंबई मिलेगा, खराब रैंक है IIT पटना मिलेगा, उन्हें जाना खड़गवासला पुणे में ही है, टॉप कर जाएगा SSB में होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ मेन है कि सही टेक्निक करके रिटर्न क्वालिफाई करना, उन्हें उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, और उसके लिए 4 मंथ्स मोर देन सफिशियंट है मेरे हिसाब से। अब कैसे करना है वो यहाँ आकर के भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा तो करना होगा ना, 2 मिनट में सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। नहीं, बावर्ची अपनी मेन रेसिपी थोड़ी ना देगा। सर, कोई ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर्स भी हैं जो आप क्लास में बताते हो कि यार ये वाला चैप्टर कर लेना, ये वाला छोड़ देना, कुछ ऐसा भी है? छोड़ना कुछ नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, छोड़ना ये होता है क्योंकि फिक्स नहीं होता है UPSC एग्जाम लेने जा रही है, क्योंकि ये लोएस्ट लेवल का एग्जाम है जो UPSC कंडक्ट कराती है, UPSC कभी मजाक नहीं करती।
वो इजी क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर सिलेबस आप छोड़ के करोगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। वो किस्मत की बात है, हो सकता है आपने जो छोड़ा उसी से क्वेश्चंस आ जाए, सही बात है, और जो आपने अच्छे से कंप्लीट किया उससे उतना टफ क्वेश्चन पूछ ले जो आपसे सॉल्व ना हो पाए, क्योंकि किसी भी चैप्टर की कोई लिमिट नहीं होती। कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मैं 100% इसमें कंफर्म हूं, कर ही लूंगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसे चैप्टर्स की बात, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, वो आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशंस के इजी क्वेश्चन, क्योंकि जहां टफ हो जाता है वो सिलेबस में उनके नहीं है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक, बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं, लिमिट्स के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चा अगर ये सोचे कि मैं प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा हूँ, बहुत बड़ा तोप हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत तोप हूँ, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा तोप हूँ, वो अटक जाएगा। वो किस्मत की बात होती, प्रैक्टिस करना है उसे, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो फिर बाकी के चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स होगी। मतलब पेपर से ईगो नहीं फंसानी। हाँ, ईगो नहीं फंसानी, वहां उससे पहलवानी नहीं करनी होती कि मैं ही जीतूंगा। पेपर में जो लग गया ठीक, अगर आप पेशेंस के साथ करते हो तो 120 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस आपको अपने हिसाब से मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस इसी की करनी है कि कितने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना। और वो चमत्कार वो पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में जाके 1 सितंबर से नहीं कर सकते हैं, ये 4 मंथ्स में उसी की उन्हें प्रैक्टिस करनी होती है। फॉर्मूला सबको आता है, टाइम मिल जाए, चाय कॉफी साथ में मिल जाए, 100 में मोर देन 100 क्वेश्चंस हर बच्चा कर लेगा, और 60,000 बच्चा तो 120-124 डालेगा। लेकिन 2.5 आवर्स में वो कैसी परफॉर्मेंस रहती है उस पर डिपेंड करता है। आप रणजी में भले सेंचुरी मारे हो, कितने भी मारे हो, अब इंटरनेशनल मैच में डिब्यू में क्या कर पाते हो, दुनिया उसको देखती है। सही बात, 1 सितंबर को वो 11th में क्या हुआ, 12th में क्या हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है व्हेन इट कम्स टू एनडीए। सर, कोई स्ट्रॉन्ग एरियाज वीक एरियाज भी होते हैं क्या मैथ्स में? मतलब जीके में होते हैं, फिजिक्स में भी होते ही होंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी होते ही होंगे, लेकिन क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा है कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है या वीक एरिया है? जैसे मैंने अभी बताया कि देखिए मैथ्स में सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं, जैसे सेट थ्योरी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाकी चैप्टर्स में उसकी जरूरत भी होती है। अच्छा, बच्चे थोड़ा सा डरते किससे हैं, मतलब टफ की बात करें तो प्रोबेबिलिटी से अच्छा 8-10 क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़े से बच्चे उससे घबराते हैं, ऐसे उसको ना घबराना चाहिए। ठीक, उसमें बहुत इजी 10 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है, लेकिन इन जनरल बच्चे गलती कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है, हमें पढ़ना ही नहीं। लेकिन एक नजर अगर देख रहे हैं तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन नहीं लगेगा उस समय, लेकिन अगर थोड़ा सा भी पढ़े 4-5 क्वेश्चन लग भी जाएगा, लेकिन बच्चे डर की वजह से 10 के 10 क्वेश्चन उसके छोड़ते हैं। उसी तरह से आपने बताया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हुआ, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं थोड़े से डिटरमिनेंट्स मैट्रिसेस हुए, लेंथी थोड़े से होते हैं, बच्चा डर के उससे भागने का प्रयास करता है, लेकिन ना भागे, उसी पे अगर थोड़ा सा फोकस 10 दिन 5 दिन कर दे, डरना छोड़ दे, तो वो चैप्टर्स भी आसानी से वो कर सकता है। अच्छा सर, आपका तजुर्बा आपके साथ साथ चलता है, ओवरऑल क्या यूपीएससी और मैथ्स का लगाव जो है वो एक फिक्स्ड पैटर्न है या पैटर्न बदला जा रहा है बार बार? देखिए मैथ्स की बात करें, जीके वाले सर से अगर मैं ये सवाल पूछूंगा तो वो मेरे को बोलेंगे कि जी पैटर्न बदला जा रहा है, हर बार कुछ ना कुछ नया है, बट क्या मैथ्स में भी ऐसी चीजें देखने को मिली है? कि मैथ्स में है कहीं भी पैटर्न बदलेगा तो फार्मूला, मैथ्स के साथ खूबसूरती यही कि जो फार्मूला को कभी चेंज नहीं होता, पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेता है। जैसे आजकल के डेट में ये हो रहा है जी कि थोड़ा पैसेज वाले क्वेश्चंस बढ़ा दिए, assertion reason वाले, जी 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 वाले क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ा दिए हैं। उसके लिए क्या होता है, बच्चा आज पहले क्या होता, नॉमेरिकल्स क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते थे, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा पूछे जाते थे, इधर 2-3 बार से ये देखा जा रहा है टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया जी, तो तुरंत आप उसका आंसर दोगे, नहीं समझे तो आप ढूंढते रह जाओगे, होगा भी नहीं, और होगा तो आप गलत आंसर दोगे। उसके लिए बच्चा क्या है आज की डेट में देखता है कि सोचता है गाइड लगा के हम कर, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं करता है, गाइड के पीछे ज्यादा पागल रहता है। लेकिन आज की डेट में 2-3-4 बार से पेपर यूपीएससी ऐसा बना रहा है कि जो जो गाइड पढ़ करके रटा रटाया कॉन्सेप्ट पे जायेगा वो मैथ पक्का उसका नहीं निकलेगा। शायद इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला फॉर्मूला इधर काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे देखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रट के जा रहे हैं। एनडीए में एनडीए के रिपीटेड क्वेश्चंस कभी नहीं आते,
कभी नहीं आते हैं। प्रीवियस ईयर इसलिए लगाना जरूरी होता है कि टाइम मैनेजमेंट आप कर सको, उसकी लेवल देख सको किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये उम्मीद पर कोई प्रीवियस ईयर लगाता है कि 10 साल का लगा लेंगे 10-20 क्वेश्चन मिल जाएगा, एनडीए का क्वेश्चन एनडीए में कभी रिपीट नहीं किया है, और अगर किया है तो आपको हवा नहीं लगने देगा कि वो रिपीट किया हुआ, कि पैटर्न चेंज करके उसका लैंग्वेज चेंज कर करके पूछा गया। हाँ, अब अगर है कि एनडीए में कहाँ से पूछा जाता है तो आपको जेई मेन के 10-20 ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। अगर उतना आप लगाते हो तब आपको एनडीए का 40% क्वेश्चंस उसमें रिपीटेड रहते हैं जेई मेन वाला। अच्छा, और जेई मेन का जो 20 ईयर्स लगा दिया तो रिपीट नहीं भी किया, बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है वैसे भी लगा। तो क्या आज यूपीएससी का एनडीए मैथ्स और जेई का मैथ्स, जेई मेन्स का मैथ्स एट पार हो गया है, दोनों बिल्कुल बराबर हो चुके हैं? मतलब हमारे टाइम पे ये बोला जाता था आज से 10-12-15 साल पहले कि भाई सबसे टफ जो है वो जेई की मैथ्स है, उसके बाद एनडीए की मैथ्स कहीं आती है, पर आपकी भाषा से ऐसा लग रहा है कि अब दोनों जो है वो पैरेलल रेलगाड़ी के वो जो रेलवे ट्रैक है वैसा बन गया है बिल्कुल। एक्चुअली जेई मेन में जब वो क्वेश्चन पूछा जाता तो मार्केट में नया रहता है, वो टफ रहता है, कोई भी चीज आप पहली बार करते तो टफ लगता है। लेकिन जब एनडीए में पूछा जाता तो वो रिपीटेड क्वेश्चन से पूछा जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा तो इजी रहता है क्योंकि मार्केट वो पहले क्वेश्चन सर्कुलेट फ्लोट हो चुका है। अच्छा, ये डिफरेंस है, बाकी एनडीए और जेईई मेन के सिलेबस में 1% का भी डिफरेंस नहीं है, अच्छा, लेवल का भी डिफरेंस नहीं है। यहां तक अगर मैं कहूं एनडीए जेईई मेन से ज्यादा टफ है, जेईई मेन में बच्चे को 30 क्वेश्चन करने होते हैं मैथ्स में, यहाँ 120 क्वेश्चंस करना होता है, मोर देन 90% स्टूडेंट 120 क्वेश्चंस देख के बेहोश हो जाता है कि इतना बड़ा पहाड़ हम इस पे चढ़ेंगे कैसे, आधे बच्चे पेपर देख करके फिर वो टाइम पास करते हैं। जैसे आपने बोला कि भाई 6 लाख में मेन तो 60,000 ही कॉम्पिटिटर्स हैं, बिल्कुल सही बात है, 10% वो हैं जो गोल ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। सर जरा फोकस फिजिक्स पे करते हैं, वैसे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर PCM स्टूडेंट्स ज़्यादा तादाद में करता है, बट अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड से है तो जैसे कि सर ने बोला कि JEE के क्वेश्चंस अब NDA के मैथ्स में पूछे जा रहे हैं, क्या फिजिक्स में भी ऐसे ही कुछ पैटर्न है? नहीं, ऐसा पैटर्न में एक दो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, क्योंकि जो UPSC का पैटर्न है वो चाहता यही है कि कोई भी बच्चा है वो पूरा सॉल्व करने के चक्कर में जाए और फंसे, तो क्या करेगा, जैसे पिछले पेपर में देखा जाए, इस पेपर के ठीक पहले वाले में तो बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिया। अब करना क्या है, जैसे फिजिक्स का एक बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन जो निकाला है हम लोगों ने कि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको टोटल 25 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट है, उसी में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसी में आपको सर्कल लगाना है और ये स्पीड आप देखिए, और आपको अगर 15 क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो बाकी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट आपके पास है। जो मेन कंक्लूसिव बात है कि भैया 25 क्वेश्चन आपको मिले, आप PYQ लगाइए, चाहे कोचिंग का आपने 25 क्वेश्चन सेट उठा लिया, 20 मिनट आपके पास समय है फिजिक्स के लिए, ओवरऑल 20 मिनट में आप जो कर पा रहे हैं वो आपका रिजल्ट है। तो एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है, एलिमिनेशन काम करता है कि सर 15 क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं तो बस हमारा, क्योंकि जब 15 आप सही करके आए तो एक तो उसमें से भी गलत निकलेगा, तो 50% आपका सेफ है और आप आसानी से अंदर है। इस 25 सवालों में न्यूमेरिकल्स कितने हैं? इस समय सर 2-3 और वो भी नाम के न्यूमेरिकल लेते हैं जो देख के सॉल्व किए जा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन मोस्ट थ्योरेटिकल रहते हैं और थ्योरेटिकल होने के साथ आप ये कह लीजिए कि वो कंसेप्चुअल होते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन कभी नहीं होती, मतलब वो क्वेश्चन पढ़ के आपको एप्लीकेशन न्यूमेरिकल भी लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले के बारे में भी सोचना, मींस आपके चैप्टर थ्रू आउट क्लियर होना चाहिए, एक क्वेश्चन आप उठाएंगे तो कम से कम 3 कंसेप्ट उसमें लगेगा तब उसका आंसर आप। ओवरऑल सर फिजिक्स में कौन सी यूनिट है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट यूनिट कह सकते हैं? एक तो जो सबसे कॉमन स्टेटमेंट लोग कहते हैं कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जो प्रेडिक्शन में है कि 3 यूनिट ऐसे हैं अगर ये पढ़ लिए जाए तो 10 तो पक्का इसके अंदर से आएगा, इसमें पहला है मैकेनिक्स, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा है लाइट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कभी भी आज तक आप देखेंगे तो 10 के नीचे नहीं। अच्छा, ये 3 अगर हमारे क्लियर है, ये ज्यादातर बच्चों के क्लियर होते भी हैं, खासकर 12th में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और लाइट ये दो चैप्टर हैं जो बच्चों के लिए आसान भी होते हैं और 12th में बच्चा थोड़ा ज्यादा सीरियस भी होता है और मैकेनिक्स थोड़ा सा ढीला रहता है, क्योंकि लेवल 5 के बच्चे बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा निकाल लेता है कि स्कूल नहीं कर रहा, तो वहां पर हम लोग थोड़ा मेहनत कोचिंग के अंदर कर लेते हैं तो उसका काम आसान होता है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग। ओवरऑल आपका फोकस न्यूमेरिकल्स पे रहेगा, आपका, आप लोगों का, टीम का,
मतलब जो खा रहे फोकस न्यूमेरिकल पे रहेगा या सिर्फ थ्योरी थ्योरी रहेगी? एक्चुअली कितने कांसेप्ट पे रहता है सर कि कांसेप्ट निकाले और कांसेप्ट निकालने के लिए न्यूमेरिकल भी कराने पड़ते हैं। तो क्लास में जो भी हम लोग प्रैक्टिस पेपर देते हैं उसमें आप देखेंगे तो बैलेंस होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होता है, न्यूमेरिकल भी होता है। जैसे अभी मैथ्स एजुकेटर ने बोला कि भाई पी वाई क्यू का फॉर्मूला मैथ्स में काम नहीं करेगा, मतलब काम करेगा लेकिन मैथ्स में अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले जो क्वेश्चन आया वही इस बार भी आ जाए तो वो नहीं होगा। फिजिक्स में ऐसी चीज है क्या? हाँ सर, इसमें बीयर सर से एग्री करेंगे जो भारद्वाज सर ने बोला जी कि जो पैटर्न है उससे हम टाइम देखते हैं और लेवल देखते हैं क्वेश्चन का कि इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिपीट करने की उम्मीद नहीं कर सकते कि यही क्वेश्चन आया सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा, वो सेम टू फिजिक्स में भी यही है, सेम टू सेम नहीं रिपीट करना पड़ेगा। अगर रिपीट करेगा तो वही पैटर्न चेंज कर देगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा, जो पकड़ नहीं पाएगा तभी शायद अनप्रिडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी। सर थोड़ा फोकस जीके पे करते हैं। मैथ स्टूडेंट को कहीं ना कहीं दसवीं छोड़िए ग्यारहवीं बारहवीं में उसने मैथ्स की तरफ इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट था, पेरेंटल प्रेशर था, स्कूल का प्रेशर था, लेकिन वो पढ़ता हुआ आया। लेकिन जीके हम लोग जब इंटर पास हुए थे तो मतलब जब टेंथ पास हुए थे तो ये होता था कि जिसकी परसेंटेज कम है सीबीएसई में उसको आर्ट्स लेना होगा। मतलब वो मैथ्स का एक बैरियर सेट कर दिया था कि ये बैरियर पार नहीं करोगे तो मैं आर्ट्स मैथ्स नहीं करेगा। पहले प्रेफरेंस गई मैथ्स को, फिर बायोलॉजी को, फिर कॉमर्स को और आखिरी में आर्ट्स को। अब आर्ट्स के ही सब्जेक्ट उठा के एनडीए में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स कैसे इंटरेस्ट डेवलप करते हैं? सबसे पहला सवाल आपसे मैडम से, भाई हिस्ट्री इज ऑलवेज अ मिस्ट्री आज भी, कैसे इंटरेस्ट डेवलप करते हैं मैथ्स स्टूडेंट? लेकर चल रहे हो सब्जेक्ट्स को, क्या तरीका क्या है आपका जीके का? वहाँ आपको सर जैसे कि जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं जी और पहले के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये देखा गया है कि बच्चों को विजुलाइजेशन मेथड से जैसे कि मैप टेक्निक जैसे कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, साउथ अमेरिका कहाँ पे है या अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, तो इस आधार पे उनको विजुलाइजेशन मेथड से लोकेशन, कंट्री का लोकेशन, वे का लोकेशन, स्ट्रेट का लोकेशन, माउंटेन्स, पीक्स, रिवर्स, इनके लोकेशंस बताए जाते हैं कि इन लोकेशंस को समझ के आप जो है न्यूज़ में अगर ऐसे लोकेशंस न्यूज़ में आ रहे हैं जैसे मान लीजिए कि कोई रिवर न्यूज़ में आ गया, जैसे मान लीजिए कि गंगा प्रोजेक्ट चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, कावेरी प्रोजेक्ट चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे लोकेशंस जब उनको पहले से पता रहेंगे बच्चों को तो उनको पहले से पता है कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ पे है, कावेरी नदी का लेंथ कहाँ पे है, कावेरी नदी जो है कहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। तो इस मैप की टेक्निक के आधार पर ज्योग्राफी को उनको जो है कराया जाता है जिससे वो विजुलाइज कर पाएँ कि बेसिकली कौन सी लोकेशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा जी, तो मैप टेक्निक ज्योग्राफी में तो काम कर सकती है, मैडम हिस्ट्री में क्या टेक्निक होगी आपकी? सर हिस्ट्री के लिए अगर ओवरव्यू, अगर आपने जैसे कहा कि मैथ साइंस उसके बाद फिर आपका जीके आ जाता है, तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं तो उनको जीके में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, तो एक्चुअली में जैसे आपने कहा कि जो जिनके ज़्यादा परसेंटेज होते थे वो पीसीएम चूज़ करते थे, जो कम परसेंटेज रहते थे वो आर्ट्स सब्जेक्ट में आते थे। तो ऐसा देखा जाता है कि मतलब हाई थिंकिंग चाहिए, प्रोसेसिंग लेवल आपका हाई उतना है तब आप मैथ साइंस को कंज्यूम कर पा रहे हो जीके के लिए। तो जीके हमें पढ़ना ना ऐसे है कि अगर हम देखें कि हमने मैथ्स की क्लास करी, साइंस की क्लास करी, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए, जीके की क्लास को एज अ रिलैक्सिंग क्लास देखना है। बिकॉज सबसे पहले तो हमें देखना है जीके हमें पढ़ना क्यों है, हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस जिस कंट्री को आप सर्व करने जा रहे हो उस कंट्री का ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए, उस कंट्री का हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो जीके की क्लास रिलैक्सिंग क्लास हो जाती है। कैसे? ज्योग्राफी हमने पढ़ा, हमने लोकेशंस पढ़ी, कई स्टूडेंट्स ये होते हैं मैम यहाँ हमारी पोस्टिंग होगी तो यहाँ पे पोस्टिंग होगी, यहाँ की लोकेशंस ऐसी है, वो घूमने के नज़रिए से देखने लगते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में उनको बहुत मज़ा आता है, ठीक है, उसी के साथ हमारी मतलब पढ़ाई जो हमारी होगी उसको बर्डन लेके नहीं चलना। अब हम आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अगर हम फैक्ट्स की बॉम्बार्डमेंट कर देंगे, हमने फैक्ट्स बताने शुरू कर दिया तो बच्चे बोरिंग लगने लगेगा। हिस्ट्री को हम ऐसा स्टोरी लेके कि किस तरह से कैसे कैसे आज का जो हमारा सिस्टम डेवलप हुआ है, ये सिस्टम ऐसे नहीं था, अर्ली मैन से आज के सिस्टम में एक हमारा ग्रेजुअल पूरा डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ है जो सारी चीज़ें, तो उसको उस कॉम्बिनेशन में हमको लेके चलना है। अब हिस्ट्री में जैसे ये हो सकता है कि पी वाई क्यूज आपके मैटर करते हैं, तो जैसे सर ने बोला पी वाई क्यू किसी भी सब्जेक्ट में यू पी एस सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो उसको केवल एग्जाम लेने के लिए ही वो बॉडी वहाँ पर बनी हुई है, तो उनका काम ही है एग्जाम क्वेश्चन ऐसे सेट करना, तो रिपीटेड क्वेश्चन उस एग्जाम के नहीं आते। लेकिन जैसे होता है कभी यू पी एस सी ने
है, जैसे अगर आपका ज्योग्राफी का जो साइंटिस्ट का पेपर सेट किया, उसने CDS का पेपर लिया, तो एक दूसरे एग्जाम CIPF का किया, तो एक दूसरे क्वेश्चन एक दूसरे पेपर्स में आपके आते रहते, तो वो काम हमारा है कि कौन कौन से एग्जाम्स हुए, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए, किस तरह से बच्चों को हमें डिलीवर करना है। तो इस तरह से हिस्ट्री हमें बहुत इंटरेस्टिंग लेके चलना है, उसमें फैक्ट्स की बिल्कुल बॉम्बार्डमेंट नहीं होनी है, एकदम रिलैक्सिंग मूड में उसको पढ़ते हुए चलना है। और इस तरह से किस तरह जो आपके 20 प्लस माइनस 4-5 क्वेश्चन इतने आपके हिस्ट्री में 50 क्वेश्चन में से इतने आपके हिस्ट्री के रहते हैं, तो अच्छा खासा पोर्शन रहता है। अभी कुछ समय पर अगर देखा गया है कि अगर इंपॉर्टेंट लेके चलें तो मॉडर्न से हमारे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं, अदरवाइज जैसे सर ने कहा इंपॉर्टेंट तो सारा कुछ है, तो जो सिलेबस में उसको तो हम जो छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन क्या चीजें कैसा है उसको कवर करते हुए चलना। अच्छा, थैंक यू मैम। सर आजकल एक नया सब्जेक्ट पैदा हो गया, करंट अफेयर्स। आपने खुद ने पिछले 2 महीने से मेरे ख्याल से कोई भी क्लास यूट्यूब चैनल पे मिस नहीं की है, तो करंट अफेयर्स इस 4 महीने में कैसे कवर करेंगे? क्या करंट अफेयर्स कुछ ऐसा रूल है कि NDA 1 से NDA 2 के बीच में जो 4-5 महीने बस वहीं का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, कुछ ऐसी बातें हैं क्या करंट अफेयर्स को लेकर के? सर करंट अफेयर्स बेसिकली एग्जाम से 4 महीने पहले 5 महीने पहले के जो करंट इशूज हो गए, करंट में इंटरनेशनल इशूज हो गए, नेशनल इशूज हो गए, अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन हो गया, उसके अलावा जैसे बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन, हर बार मिलिट्री एक्सरसाइजेज से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर आप NDA 2 2022 से पहले देखेंगे तो करंट अफेयर्स से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे जी, लेकिन उसके बाद से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन 8-10-12 जी। एक्चुअली सर ऐसा इसलिए हुआ कि UPSC को लगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने स्टैटिक GK का पोर्शन जो जिसमें किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होने वाला है उसको उन्होंने बार बार रिवाइज कर लिया है, रट लिया, सीधे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा उन्होंने सही कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि GK के स्तर पे जहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट कम होता है जी, वो कम समय में कैसे वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तैयारी कर ले, मतलब करंट अफेयर्स तो सबके लिए न्यू है, सबके लिए नया है, नया बच्चों के लिए भी नया है और पुराने बच्चे जो हैं उनके लिए भी नया है। तो वो उन्होंने क्या किया कि करंट अफेयर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ये 10-12 से और भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि पुरानी चीज़ों पे फोकस वो कम करेंगे, नई चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना। तो करंट अफेयर्स जो है पिछले 4-5 महीने एग्जाम से, जैसे अप्रैल में एग्जाम होना है तो अप्रैल से 4 महीने पहले, मीन्स कि आप नवंबर से स्टार्ट करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मिड मार्च आप देख सकते हैं, यहाँ तक करंट अफेयर्स फोकस करिए अप्रैल वाले के लिए, अप्रैल वाले और सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर के लिए जो है आप उठाइए जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून आगे के जो है करंट अफेयर्स फोकस करिए, क्योंकि होता क्या है कि जो सितंबर वाला एग्जाम है उसमें कुछ अप्रैल से पहले के भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इस क्लास में जो हम NDA का बैच बनाएंगे 8 अप्रैल को, उसमें आपका करंट अफेयर्स का एक स्लॉट अलग रहेगा, कैसे आप करंट अफेयर्स कवर करेंगे, मतलब इंटरेस्ट कैसे जताएंगे कैंडिडेट के अंदर, इंटरेस्ट कैसे जगाएंगे करंट अफेयर्स के लिए? देखिए सर करंट अफेयर्स मतलब मैथ्स तो उसको जी जी पर फोर्स करना है, एक अपने आप में एक पेपर है मैथ्स का, ठीक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी चलो 50 सवाल हो गए, ठीक, इसमें करंट अफेयर्स भी आ गया, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार चलो फैक्ट्स रट के चले जाते हैं करंट अफेयर्स छोड़ देंगे। भाई भरद्वाज सर ने बोला, तिवारी सर ने बोला, मैडम ने बोला कि भैया पूरा पेपर मत करो, सेलेक्टेड पेपर कर, जो आए वो कर। तो अगर वो करंट अफेयर्स छोड़ के जा रहा है तो चांसेस ऑफ स्कोरिंग उसके हैं या नहीं है आज के टाइम पे? सर देखिए आज आप देखिए जितने तरीके से मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट जो है बढ़ रहा है, तो लोगों का अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। आप देखिए फेसबुक हुआ या और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत सारे इश्यूज गवर्नमेंट खुद ही जो है क्या कर रहा है, उसको फ्लोर कर रहा है, लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो हर किसी का ये जानना जरूरी, हर कोई ये इंटरेस्ट लेता है कि भाई मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो इसमें क्या है, इसका मोटिव क्या है, या अभी जो है इलेक्शन होना है लोकसभा का तो लोकसभा का कंपोजिशन क्या है उसमें उनका इंटरेस्ट होता है, या लोकसभा का इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, या उसके अलावा लोकसभा का मेंबर बनेगा तो उस मेंबर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, ये सारे मुद्दे हैं, वो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट क्रिएट होते रहता है। तो इसको भी हम स्ट्रेस फ्री क्लास बोल सकते हैं, मतलब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो पढ़ा दिया,
मैथ स्टूडेंट को आप लोगों ने, लेकिन बायोलॉजी का क्या मैडम? अपने आप में मैं बायो स्टूडेंट था, बायो और मैथ्स दो अलग अलग रास्ते हैं जिनका कहीं पे कोई मेल कभी ना था ना होगा। ये एनडीए के एजुकेटर्स पर फोर्स पढ़ाते हैं बायोलॉजी, तो बायो का क्या रोल है, व्हाई बायोलॉजी, बायो क्यों? जी सर, मैं कहूँगी कि ये पर फोर्स होगा ही नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में कंसेप्ट इनको बताया जाए और क्रिस्प नॉलेज हम लोग देते क्लास में। ये ऐसा है कि जैसे इन्हें पढ़ना हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर होगा, लेकिन बस टच करके आने जैसी बात है। अच्छा, लेकिन टच तो करना ही पड़ेगा, मतलब टच करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी इनको इस अपने इस सब्जेक्ट में। और बिल्कुल पर फोर्स नहीं है, इंटरेस्टिंग बहुत है। अच्छा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो, शायद आप इसलिए बोले क्योंकि आप बायो के एजुकेटर हैं। बगल वाले से पूछिए, मैच वाले से। आप क्लास में बैठे हैं, मैच के बच्चे बायो में इंटरेस्ट लेते हैं। लेते हैं सर। अच्छा, ओके जी। आप लोग क्लास में बैठिएगा, यू विल फील दैट, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है अपने बारे में जानना, हमारी आई का कंपोजिशन है कैसे, हम जो खा रहे हैं उसका टेस्ट हमें कैसे मिलता है जी, एक्चुअली कितने टेस्ट है जिनके बारे में हम पता कर सकते हैं, डू यू नो से दुनिया भर के खाने में सिर्फ चार ही टेस्ट आने। Exactly. ये जो तीखा कड़वा सब ओनली बिटर टेस्ट हम जान सकते हैं, तीखा इज जस्ट सेंसेशन, हमें ऐसा बर्निंग सेंसेशन होती है। अच्छा, तो हमें ये चीजें जब हमें जानने को मिलते, अच्छा ये रोग मुझे इस वजह से हो गया, ये डिजीज थी इस वाले पैथोजन की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल हम भी अपने आप इंटरेस्ट होता है। एग्जैक्टली, जब हमें पता चलता है ये हमारी किडनी है, ये ऐसे फंक्शन करती है क्या, यानी कि मैं ज्यादा चाय पीऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन करना पड़ेगा, ऐसे ये सारी प्रॉब्लम जो है जब हमें पता चलती है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है ये चीजें। अच्छा मैडम, बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो 11, 12 से कुछ लिया गया या सिर्फ 9, 10 तक का? नहीं, मैं कंफाइंड है 9, 10 की ही एनसीईआरटी होती है बस। अच्छा। कभी कभी थोड़े से मजे लेने के लिए यूपीएससी कभी कुछ एक दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डीप डाल देते हैं, तब बच्चों को लगता है शायद 11, 12 का ही, नहीं वो होता 9, 10 का ही, थोड़ा सा डीप डाल देते हैं क्वेश्चंस, उन्हें टफ लग जाते हैं कुछ सेक्शंस, जैसे कि प्लांट एनाटॉमी की तरफ अगर आप जाते हो तो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जानना, ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन जो होता है रिलेट नहीं कर पाते ना वो जी। जैसे अगर हम बोल दें कि तुम्हें टाइफाइड हुआ तो टाइफाइड दे हैव एक्सपीरियंस्ड, किसी को देखा, वो रिलेट कर जाते हैं, लेकिन मैं बोलूं प्लांट्स को कोई डिजीज हो गई, बार्ड डिजीज हो गई, वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता उन्हें, तो उन्हें थोड़ा सा ये टफ लगता है। क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स हो गए तो उन्हें थोड़ा सा टफ लगता है। फिर मैं वही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा उस पर बटन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, हम इजी पीजी कर देते हैं, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, और जो ये इधर आप स्ट्रेस को लेकर चल रहे हो सब्जेक्ट्स को, उनको रिलीज करने का नाम है बायोलॉजी। वहाँ आपको मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और चीज़ें क्या है, एक फॉल सेफ्टी नेट मैं कहती हूँ बच्चों को, जैसे आप जिधर से गिर गिर के आते हो, जो भी गड़बड़ करके आते हो, उन सबको संभाल लेने की ताकत रखता है इधर जनरल साइंस। यानी कि एक बात साफ है कि मैथ्स और फिजिक्स के बाद ही बायो लगाएं, कभी भी टाइम टेबल में इससे पहले ना लगाएं। चलिए सर, केमिस्ट्री की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। केमिस्ट्री बच्चों की एक ऐसी चीज है कि भाई एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बना हुआ है, अब केमिस्ट्री कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक बार इस चीज के बारे में बताएं। मतलब क्या हम 9, 10 की केमिस्ट्री, जैसे 9, 10 की बायो लेके चले, केमिस्ट्री भी 9, 10 की लेके चले या 11, 12 की छुएं, प्लस न्यूमेरिकल करें ना करें, कौन से चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, कौन से चैप्टर्स हैं थोड़े परेशान होने वाले, ये सारी चीज़ें जरा बताएं सर। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो मेरे हिसाब से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जी, सारे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री सबसे इजी है। जो बच्चे थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं, मैथमेटिक्स ग्राउंड के, उनके लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री को लेकर प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर हम एनडीए सिलेबस की बात करें तो एनडीए में केमिस्ट्री आपका पूरा 9th और 10th ही स्टैंडर्ड होता है। अच्छा, 11, 12th का मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, सिर्फ 9, 10th ही स्टैंडर्ड होता है, और बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर किसी बच्चे ने 9th और 10th को पढ़ा है तो मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन उससे मतलब आपकी क्लास में उसका वो पुराना रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन बस रिवीजन 9, 10th में अगर बच्चे ने पढ़ा है तो उसका सिर्फ रिवीजन होगा। क्या न्यूमेरिकल्स पे फोकस? न्यूमेरिकल 5% के आसपास, बस 95% थ्योरी, थ्योरेटिकल चीजें हैं जी। थ्योरेटिकल में सबसे ज्यादा
30-40% के आसपास तो सब रटने वाली चीज़ें हैं, 30% वो याद करके मगअप करके चले। हाँ, याद करना ही है। तो पी वाई क्यू वाला फार्मूला शायद केमिस्ट्री में काम कर जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एस्पिरेंट्स टीम त्रिशूल डिफेंस अकेडमी तैयार है आप लोगों के लिए। NDA 2024 का पहला बैच हम 8 अप्रैल को चालू कर रहे हैं। ये सारे एजुकेटर्स तैयार हैं और उपदेश ये है कि पास रेट को हम 10% से ऊपर करें। जी, आज तक का जो पास रेट है त्रिशूल डिफेंस अकेडमी का अकेडमिक सेशन 2023 में 10% का है। 10% को इस बार मैथ्स एजुकेटर्स, जीके एजुकेटर्स, इंग्लिश एजुकेटर्स 12-12.5-13% कोशिश कर रहे हैं छूने की। सब लोग नए मेथडोलॉजी के साथ, नए टेक्निक के साथ, नए स्टडी मटेरियल, नए शीट्स के साथ आपको सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपका भी उपदेश, आपका भी लक्ष्य नेशनल डिफेंस अकेडमी है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस अकेडमी आए। थैंक यू टीचर्स, थैंक यू सो मच। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।